Dear friend, welcome to class. We will discuss about carpentry shop in parts of workshop. Carpentry shop is defined as the art of working with timber, wood in order to construct and maintain building, furniture and other. तो आज हम कारपेंट्री शॉप के बारे में जानेंगे। कारपेंट्री शॉप वर्कशॉप का एक पार्ट होता है जिसमें लकड़ी से बने चीजों पर हम अध्ययन करते हैं। जैसे कारपेंट्री शॉप इसमें बताया गया है काम करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें हम लोग बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन या फर्नीचर एंड लकड़ी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइप या शेप एंड साइज बनाते हैं जो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होता है। तो कारपेंट्री शॉप हम इसे ही कहते हैं। कारपेंट्री शॉप जो भी वुड का होता है तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ वुड देखेंगे। टाइप्स ऑफ वुड में टू टाइप्स ऑफ वुड होता है, हार्ड वुड एंड सॉफ्ट वुड। डियर फ्रेंड, हार्ड वुड किसे कहते हैं? हार्ड वुड जैसे मैंगो का वुड हार्ड वुड होता है और नीम का वुड हार्ड वुड होता है। उसी तरह सॉफ्टवुड वुड के बारे में जानेंगे। सॉफ्टवुड वुड चीर का वुड सॉफ्टवुड होता है। तो हार्डवुड और सॉफ्टवुड वुड के द्वारा ही हम डिफरेंट टाइप्स के शेप एंड साइज जो मार्केट में अवेलेबल होता है कारपेंट्री शॉप के द्वारा हम बनाते हैं। कारपेंट्री टूल्स के बारे में जानेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कारपेंट्री टूल्स होता है जैसे मेजरिंग टूल, मार्किंग टूल, कटिंग टूल, होल्डिंग टूल, प्लानिंग टूल। उसके अलावे आगे हम देखते हैं स्ट्राइकिंग टूल, अब मेजरिंग टूल्स क्या होता है। तो डियर फ्रेंड्स, हम मेजरिंग टूल्स के बारे में जानेंगे। मेजरिंग टूल्स के अंदर करीबन बहुत सारे टूल्स आते हैं जिसमें हम स्टील रूल, मार्किंग गेज,